वेलकम टू सक्सेस स्टार क्लास है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी पुलिस का एग्जाम जो है लगभग आज फिनिश हो चुका है। तो यूपी पुलिस एग्जाम के बाद आज हम लेकर आए हुए हैं यूपी पुलिस की जो कट ऑफ है, कितनी कट ऑफ जाने वाली है, और इस कट ऑफ का पूरा डिटेल में विवरण देंगे। और इस वीडियो के अंदर हम आज आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अगर आपको पता नहीं नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है तो ये डिफिकल्ट सा फॉर्मूला आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा केवल एक ही बार में कि ये नॉर्मलाइजेशन आखिर होता कैसे है। ये हम एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे, यूपी पुलिस का ही एग्जांपल लेंगे और देखते हैं कट ऑफ जो यूपी पुलिस का कट ऑफ है, जिसमें हम इसका भी डिस्कशन करेंगे कि जनरल ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ क्या जाने वाली है, और ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे आखिर यूपी पुलिस की कट ऑफ कम जाने के चांस क्यों हैं और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आपको नॉर्मलाइजेशन ही बताते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। ये दोस्तों ये उत्तर प्रदेश जो यूपी पुलिस भर्ती जो बोर्ड है उसके द्वारा दिया है, ये फॉर्मूला दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा। ये फॉर्मूला आपको दिया है, इसमें देखिए इन्होंने जो एसएससी है, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग जो तथा जो उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा है जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस रखता है, इन लोगों ने भी उसी प्रोसेस को ही लिया हुआ है, कोई अलग सा प्रोसेस नहीं है। जैसे ये देखिए ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है डिफिकल्ट सा फॉर्मूला जो आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में लगता है। नॉर्मलाइज स्कोर वो इस फॉर्मूले से निकलता है, इसमें एम टी जी माइनस एम क्यू जी अपॉन एम टी आई माइनस एम आई क्यू इंटू एम आई जे माइनस एम आई क्यू प्लस एम क्यू जी एम, ये डिफिकल्ट सा फॉर्मूला है जो आपको दिया गया है। अब हम सबसे पहले इस डिफिकल्ट से फॉर्मूले को एक उदाहरण के साथ आपको समझा देते हैं कि कैसे वो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस काम करता है। मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में दो शिफ्ट हैं, एक शिफ्ट फर्स्ट है दूसरी शिफ्ट सेकंड है। अब आपको पता करना है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। शिफ्ट अगर एक से ज़्यादा है तो भी सेम प्रोसेस यही रहेगा, हमने उदाहरण के लिए दो शिफ्ट ली हैं, तो आपको क्या निकालना है, इनका औसत निकालना है। पहले इस शिफ्ट का टोटल जितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उनके मार्क्स को देखना है और उन सारे नंबर का एवरेज या मीन वैल्यू निकाल लीजिए, मीन स्कोर आपने फाइंड कर लिया इस शिफ्ट का, और इसी शिफ्ट के स्टूडेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन है, मानक विचलन वो निकालना है। मानक विचलन इसी शिफ्ट के स्टूडेंट का निकाल लिया, यही काम इस शिफ्ट के स्टूडेंट का कीजिए, जो मीन स्कोर है, मीन स्कोर और स्टैंडर्ड डेविएशन दो चीज़ें इस शिफ्ट के स्टूडेंट की भी आपने फाइंड कर ली। अब क्या करना है, ये हमने फाइंड कर ली, अब हमें तीसरा काम करना है ओवरऑल फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट्स का यही निकालना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो तीन काम याद रखिए, जो फर्स्ट शिफ्ट है इसका मीन निकालना है, मीन स्कोर औसत ही होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो मानक विचलन होता है, मीन वैल्यू से ये कितना डेविएट हो रहा है ये निकाला जाता है। तो ये इस शिफ्ट के लिए, जो दूसरी शिफ्ट है इसके लिए, अगर तीसरी भी है उसके लिए या चौथी है उसके लिए, जितनी शिफ्ट हैं उन सब के लिए ये निकाल लिया, और ओवरऑल सभी शिफ्ट का हमने मिला के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। ये तीन काम हमने कर लिए, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकेंड ये हो गई और तीसरी स्टेप ये हो गई। अब क्या करना है, अब हमारे सबसे पहले जेड स्कोर की गणना करते हैं। नॉर्मलाइज स्कोर की गणना करने से पहले जेड स्कोर की गणना कर ली जाती है, वो क्या होता है, हमारा मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट शिफ्ट में जिसने एग्जाम दिया था, अब इसने 75 मार्क्स गेन किए, मान लीजिए 75 मार्क्स इसके आए, तो हमने यहाँ पर 75 मार्क्स लिखा, रॉ स्कोर उसका 75 माइनस, मान लीजिए जो पहली शिफ्ट के स्टूडेंट की गणना हो रही है तो पहली शिफ्ट के स्टूडेंट के मीन से माइनस करेंगे, अगर यहाँ दूसरे शिफ्ट के स्टूडेंट की मार्क्स की गणना होती तो दूसरे स्टूडेंट के, तो दूसरी शिफ्ट के मीन क्या माइनस करते, तो पहली शिफ्ट के स्टूडेंट की गणना है तो 75 माइनस इसी शिफ्ट के स्टूडेंट का मीन स्कोर करना है माइनस अपॉन इसी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां डिवाइड कर देना है यहां पर।
तो फर्स्ट शिफ्ट के लिए कर रहे हैं। अगर यही स्टूडेंट इस शिफ्ट का होता तो इसके मीन सिर्फ माइनस करते और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से यहाँ पे डिवाइड कर देते, समझ आ गया। अब नॉर्मलाइज स्कोर की गणना अब होगी। आपका जो यहाँ पर जेड स्कोर आया होगा, मान लेते हैं ये मीन स्कोर इनका आया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का 65, 75 में से 65 गया तो वो बचा 10। स्टैंडर्ड डेविएशन मान लेते हैं इनका 10 ही था, इसका पहली शिफ्ट का मान लिया हमने 10 स्टैंडर्ड डेविएशन आया था, तो 10/10 ये मीन वैल्यू क्या हो गई, तो इसके जेड स्कोर क्या हो गया, 1 हो गया जेड स्कोर। अब नॉर्मलाइज स्कोर की गणना कीजिए। जो आपका जेड स्कोर आया है उसको ओवरऑल आपने जो सारी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का, इस जेड स्कोर को इस स्टैंडर्ड डेविएशन से कीजिए मल्टीप्लाई और प्लस कर दीजिए जो ओवरऑल हर शिफ्ट के स्टूडेंट्स का मीन वैल्यू आया था, मीन मतलब और एवरेज वैल्यू आई थी उसको यहाँ पर प्लस कर दीजिए। तो यही होता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, इसी को कहते हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ये होता है। अब दोस्तों सबसे पहले चर्चा करते हैं कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा था। उत्तर प्रदेश में जो 49,000 समथिंग वैकेंसी आई थी, 49,000 के करीब वैकेंसी आई थी 2018-19 में वैकेंसी आई थी, उसका ये कट ऑफ है 2018-19 का कट ऑफ। जनरल कैटेगरी का क्या गया था, 185.34 गया था। ओबीसी का कट ऑफ 172.32 था और एससी का कट ऑफ था 145.39 और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ था 114.19। ये तो बात हो गई 2018-19 में जो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था उसका कट ऑफ था यूपी पुलिस कांस्टेबल में 300 मार्क्स में से। अब ये 48,000 के करीब वैकेंसी थी, इसमें भी दोस्तों लगभग 50,00,000 के ही करीब स्टूडेंट्स जो थे वो बैठे हुए थे। अब चर्चा करते हैं कि इस बार का कट ऑफ कम जाने के चांस क्यों है। ये देखिए दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से ये लगातार डे बाय डे का डाटा दिया जाता रहा है कि जैसे ये 24 अगस्त का डाटा है, संख्या प्रथम पाली, द्वितीय पाली और कुल स्टूडेंट। देखिए अभ्यर्थियों की संख्या प्रथम पाली में 481,838 और प्रवेश पत्र 412,165 ने डाउनलोड किया, जिसमें 321,322 स्टूडेंट ही उपस्थित हो पाए। और देखिए संदिग्ध या गलत अभ्यर्थी इसमें 30 थे, सेकंड पाली में 42 थे। और देखिए 412,418 समथिंग है, यहाँ भी द्वितीय पाली में डाउनलोड किया और 336,000 के करीब पहुँचे। और यहाँ भी देखिए कुल मिला के 824,573 ने डाउनलोड किया था, लेकिन अभ्यर्थी कितने थे, 963,676 और 657,443। लगभग आप देखेंगे इसका डिफरेंस लगभग 300,000 के बीच रहा है, 300,000 स्टूडेंट लगभग, ये आप अगर इसको एवरेज निकाल के देखेंगे तो लमसम ये 30% जो है, 30% स्टूडेंट यहाँ देखिए संदिग्ध भी हैं, 30% स्टूडेंट्स अब जो रहे वो अनुपस्थित रहे। और यही हालात दोस्तों रहे इस वाली शिफ्ट में भी। अब ये देखिए, ये है 25 अगस्त का डाटा। 25 अगस्त के डाटा में क्या रहा, 25 अगस्त में अभ्यर्थियों की कुल संख्या 963,671, 678,767, लमसम यहाँ भी 290,000 के समथिंग स्टूडेंट्स देखेंगे आप अब्सेंट रहे। तो कुल मिलाकर दोस्तों हर शिफ्ट में कहीं 23% पहली, अगर आप 23 तारीख की शिफ्ट देखेंगे उसमें 32%, और फिर इसके बाद देखेंगे आप 24%, फिर 26% और लगभग 27-28%। कुल मिलाकर ये जो 5 दिन पेपर चला तो ये रहा, इतने परसेंट स्टूडेंट्स अब्सेंट रहे, 30, 32, 24, 26, 27% लगभग स्टूडेंट अब्सेंट रहे। और दोस्तों ये इसलिए रहा, इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स तो इसमें वो थे जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी तो उन्होंने भी ये पेपर छोड़ दिया पहले। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो थे जो धांधली के ऊपर डिपेंड थे, जिसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं, तो इतनी सख्ती होने की वजह से ये सॉल्वर्स भी, सॉल्वर का ग्रो काम नहीं आया, तो इस वजह से ये सारे स्टूडेंट्स भी अब्सेंट हो गए। और तीसरा जो रहा, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास किसी के आधार कार्ड में इश्यू था, किसी के पैन कार्ड में, मतलब कोई भी आईडी कार्ड्स उनका सुटेबल नहीं था, कहीं ना कहीं किसी के डेट ऑफ बर्थ में इश्यू था, किसी के नेम में इश्यू था, किसी के थोड़े बहुत नेम में सिंह लगा है, किसी के कुमार लगा है, इस वजह से
तो कुल मिलाकर ये सारी वजह होने की वजह से ये इतने सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी रही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की इस परीक्षा में, क्योंकि लगातार पेपर आउट हो रहा था तो इस वजह से स्टूडेंट्स कम रहे। और दोस्तों आप देखेंगे जो 23 अगस्त का पेपर था, 23 अगस्त का पेपर बहुत सारे भले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से एग्जाम के एनालिसिस करने के बाद नागिन डांस करते हुए नजर आए, लेकिन बहुत सारे इस बात से आप देखेंगे कई सारे इस बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे उनके कि ये इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करेंट अफेयर आप देखेंगे साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ अवार्ड, सारे पुराने 2016, 1972, 1975 यहाँ तक के पूछ लिए गए। तो मतलब करंट अफेयर जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो करंट अफेयर लगभग बहुत कम के बराबर रहा, और यूपी स्पेशल के भरोसे जो बैठे हुए थे यूपी स्पेशल भी रहा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहा। और आप देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन का भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पेपर था, हिंदी में भी देखेंगे आप कुछ ऐसे अनेकार्थी और ऐसे मुहावरे, ऐसी लोकोक्तियाँ पूछी गई जो आमतौर पर नहीं पूछी जाती हैं। तो ये सारे पेपर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो भी लगभग थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रहा, इस वजह से स्टूडेंट्स ने आगामी शिफ्ट में भी पेपर छोड़ते चले गए। तो ये सारी वजह थी पेपर छोड़ने की। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से कंपैरिजन करते हैं, ये अगर यहाँ से कंपैरिजन हम शुरू करें कि कितना कट ऑफ रहने वाला है, तो आप देखेंगे 300 मार्क्स में से कितने कट ऑफ, क्या कट ऑफ जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हम बताने वाले हैं एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिटेल में रिसर्च करने के बाद आपके सामने ये डाटा हम दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है वैकेंसी 60,000 के समथिंग थी वैकेंसी, और पेपर डिफ़िकल्टी लेवल जो था अगर आप देखेंगे जो 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था बहुत ईजी पेपर था, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स अच्छा अच्छा करके आ रहे थे, लेकिन इस बार जो रहा है डिफ़िकल्टी लेवल जो था, डिफ़िकल्टी लेवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल जो था काफ़ी अच्छा खासा था। तो इस ये डिफ़िकल्टी लेवल और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा थी, और अब्सेंस लगभग 30% के करीब, अगर हम ओवरऑल एवरेज माने तो लगभग 28% स्टूडेंट तो अनुपस्थित रहे। तो आपका मतलब पूरे जो 48 लाख समथिंग स्टूडेंट थे, 48 लाख, अगर आप इसको 50 लाख भी मानेंगे, 50 का 30% अगर आप दोस्तों निकालेंगे भी तो लगभग 15 लाख के करीब स्टूडेंट्स ही गायब थे। तो कुल मिलाकर आपका कंपटीशन जो रहा है वो कुल मिलाकर 32 से 33 लाख स्टूडेंट के बीच में ही बचा हुआ था, जो पहले 48 लाख स्टूडेंट के बीच में होने वाला था। और इससे पहले जो 17-18 फरवरी को हुआ वहाँ पर प्रेजेंट काफ़ी सारे स्टूडेंट की बहुत अच्छी खासी थी, वहाँ कॉम्पिटिशन का लेवल जो था ठीक ठाक था। तो कुल मिलाकर इस हिसाब से देखेंगे तो जनरल की कट ऑफ इस बार जो जाने के चांस हैं वो 173 से लेके 178 मार्क्स तक रह सकते हैं। ओबीसी की कट ऑफ यहीं देखेंगे आप तो ओबीसी की कट ऑफ यही जो रहेगी 167 मार्क्स से लेके 171 मार्क्स तक रह सकती है। और जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ यही है 137 मार्क्स से लेके 141 नंबर तक, और शेड्यूल ट्राइब जो है एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो रहेगी इसके 108 से लेके 110 नंबर होने के चांस हैं। तो ये दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिसे हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करके और आपको बताया भी कि किस वजह से ये कट ऑफ कम रह सकती है। अब दोस्तों आइए दोस्तों ये देखिए पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जो ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ये आई शिफ्ट के जो जे नंबर का कैंडिडेट है उसका हमें नॉर्मलाइज अगर मार्क्स निकालना है तो वो नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे काउंट किया जाता है। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर दो शिफ्ट हैं, एक फर्स्ट शिफ्ट है एक सेकंड शिफ्ट, मान लीजिए यूपी पुलिस एग्जाम दो शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। तो अब आइए इसका नॉर्मलाइज स्कोर कैसे निकलता है ये बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मीन वैल्यू निकालना है। मीन वैल्यू, मीन किसकी होगी, जो 0.1% टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट होंगे उनका मीन निकालना है ओवरऑल दोनों शिफ्ट का मिला के जो 0.1% टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट है उनका मीन निकालना है। इसको माइनस करना है, किससे माइनस करना है, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मीन क्या होगा, ये मीन होगा ओवरऑल, इसमें 0.1% टॉप स्टूडेंट नहीं है, इसमें सारे स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितनों ने पार्टिसिपेट किया सबको मिला के मीन और सबका ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वो इससे माइनस कर देना है।
और डिवाइड किससे करना है, मान लीजिए आप सेकेंड शिफ्ट के स्टूडेंट का, ये सेकेंड शिफ्ट के स्टूडेंट का नॉर्मलाइज स्कोर निकाल रहे हैं, तो इस किससे डिवाइड करेंगे, मीन, किसका मीन होगा, ये 0.1% जो टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट हैं इस सेकेंड शिफ्ट के, ओवरऑल नहीं, इस सेकेंड शिफ्ट के, माइनस यही कीजिए मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये किसका मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन है, इस वाली सेकेंड शिफ्ट के टोटल स्टूडेंट का मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसे गुणा किससे करेंगे, आपको गुणा करना है जो आपके, जो मान लीजिए ये सेकेंड शिफ्ट के किसी स्टूडेंट का आप मार्क्स काउंट कर रहे थे, उसका एक्चुअल रॉ स्कोर कितना था, रॉ स्कोर जो था उससे माइनस क्या करेंगे, ये करेंगे मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ये सेकेंड शिफ्ट के स्टूडेंट का, ये वाला मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आप इसको माइनस करेंगे, ये जो मिल जाएगा आपको ओवरऑल। फिर आपको इसमें जोड़ना क्या है, इसमें आपको जोड़ना है मीन, मीन जो ओवरऑल मीन निकाला था आपने वो इसमें ऐड कर देना है। तो बस ये जो आपका टफ फॉर्मूला था, टफ फॉर्मूला जिसको ये हमने यहाँ एक्सप्लेन भी किया, और जो टफ फॉर्मूला हमने आपको ये इजी वे में समझा दिया था वही यहाँ भी है, जेड इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ओवरऑल प्लस मीन ऑफ ओवरऑल, हमने यही यहाँ पर आपको इजी वे में समझाया और वो डिफिकल्ट फॉर्मूला भी आपको समझा दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे रही है। थैंक यू।